कोरोना काल के दौरान फिरोजाबाद में रमजान के महीने में एक महिला दरोगा और वहीं दूसरी ओर थाना दक्षिण के दरोगा मोहम्मद शाहिद ड्यूटी और आस्था एक साथ निभाकर सिंघम की तरह अपने काम में जुटे हुए हैं, जो महामारी में रोजा रखकर तेज धूप में भी लोगों को कोरोना से बचने का नियम बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर निकलने वाले लोगों को मास्क के साथ साथ 2 गज दूरी के फायदे भी समझा रहे हैं। आपको बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है और थाना उत्तर में तैनात महिला दरोगा अलवीना पठान और थाना दक्षिण मोहम्मद शाहिद दरोगा रोजा रखकर ड्यूटी कर रहे हैं। इन दोनों दरोगाओं का कहना है कि ड्यूटी और आस्था दोनों का संतुलन बनाकर काम करना है, वहीं रोजे भी जरूरी हैं और साथ ही ड्यूटी भी। वहीं दोनों दरोगा आज शहर के जैन मंदिर चौराहे पर अपने अपने पॉइंट पर तेज धूप में खड़े होकर मास्क चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने मास्क ना पहनने वाले लोगों को कड़ी हिदायत दी और मास्क पहनने को कहा। आइए जानते हैं अलवीना पठान और मोहम्मद शाहिद से। दोनों का ही हमें बैलेंस करके चलना है, और जैसे ये कोरोना जैसी महामारी वैश्विक महामारी है और इसको जो भी लोग इसमें अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं उन लोगों का चालान भी किया जा रहा है, और हम लोग लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और हैंड सैनिटाइज करें, और अगर ज़रूरत आपको पड़े तो ही आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप प्लीज़ घर में रहें, क्योंकि आप लोगों की सेवा के लिए यूपी पुलिस हमेशा आपके सेवा में तत्पर है। ड्यूटी में आप यहाँ पूरे दिन ड्यूटी भी करती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, रोटी करती हैं, कैसे करके मैनेज कर पाती हैं? ये हमारे ऑफिसर्स भी हमारी थोड़ी इस चीज़ में हमें थोड़ी सी मोहलत दे देते हैं कि रोजे भी चल रहे हैं, ड्यूटी भी हमें करनी है, दोनों ही चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। कोरोना काल में आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कड़ी धूप हो रही है, किस तरीके से रोजे रखते हैं और किस तरीके से ड्यूटी करते हैं और लोगों को क्या अपील? देखो, रोजे रखना फ़र्ज़ है, ये हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है रमज़ान रखना, ठीक। और ड्यूटी का मसला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो गाइडलाइंस पारित की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पालन कराना है, लोगों को गाइडलाइंस के बारे में समझाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, तभी हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।